बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी 3। और हमारे पास आइडेंटिटी 3 है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब हमारे पास क्वेश्चन है जो कि है हमारे पास 4p² माइनस 9q² और ये हमारे पास आइडेंटिटी 3 के मुताबिक है। वो हमें कैसे पता चला? वो इस तरह हमें पता चला कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स है और ये जो 2 टर्म्स है ये स्क्वेयर के फॉर्म में है और जो यहाँ पे हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम स्क्वेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास 4 है तो इसको हम स्क्वेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 2 2s are 4। ये हम लिख सकते हैं 4 को 2p² इस तरह, माइनस 9 को हम 3 स्क्वेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन 3 3s are 9 होते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3q². तो इस तरह से जैसे ही हमने इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी 3 के मुताबिक लिखा, यानी स्क्वेयर के फॉर्म में लिखा, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं एक दफा प्लस साइन के साथ और एक दफा माइनस साइन के साथ। तो हम इसको लिख देंगे 2p + 3q और सेम इसी तरह 2p - 3q और ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब ये तो था हमारे पास एक सिंपल गिवन है, अब यहाँ पे ये पूरी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a² और ये पूरी वैल्यू हमारे पास है जी b और ऊपर स्क्वेयर है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हमने इसको एक बार प्लस साइन के साथ लिख लेना है, यानी a² - b² अगर क्वेश्चन हो तो हम उसको a + b और a - b की फॉर्म में लिख लेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। पहली वैल्यू है 2p + 3q, यानी ये हमारे पास आ गया पूरा a, प्लस का साइन डालना है। अब प्लस के बाद हमने इसके साथ b लिख लेना है, जो कि b हमारे पास है p - q, हमने ये लिख लिया। अब नेक्स्ट में हमारे पास है कि हमने लिखना होता है a - b। अब a हमारे पास है 2p, फिर माइनस का साइन और बी वाली वैल्यू। अब माइनस है तो माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी वो साइन चेंज कर देगा अपने बाद वाले नंबर से। तो ये हमारे पास बन जाएगा -p + q। अब हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब इसमें हमारे पास क्या है जी, हमारे पास कुछ टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स यानी उनके साथ जो वेरिएबल्स है वो सेम है। और यहाँ पे कौन कौन सी लाइक टर्म्स है हमारे पास? p वाली वैल्यूज और ये q वाली वैल्यूज, ये आपस में सॉल्व होंगी। इसी तरह जो सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास उसमें भी हमारे पास p वाली वैल्यू सॉल्व होंगी और q वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो जाएंगी। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है जी 2p + p, तो हम पहले इनको लिख लेते हैं 2p + p और उसके बाद 3q - q। नेक्स्ट है हमारे पास 2p - p + 3q + q। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं p वाली वैल्यू को p के साथ, q को q के साथ। अब इनको हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2p + p, यानी ये बन गई हमारे पास 3p। प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, 3q में से 1q निकाल देंगे, हमारे पास आ जाएगा 2q। यहां पर हमारे पास प्लस माइनस माइनस साइन 2p में से 1p हमारे पास जो है वो निकल जाएगा, तो हमारे पास जस्ट बच जाएगा 1p। तो 1 हम नहीं लिखते होते, जस्ट हम p लिख देंगे, देन प्लस प्लस प्लस
थ्री क्यू में एक क्यू और ऐड कर दिया, यानी थ्री एंड वन फोर क्यू, ये आ जाएगा जी हमारा आंसर। इस तरह से जब भी आपके पास आइडेंटिटी थ्री के क्वेश्चन आए तो आपने उनको सॉल्व कर लेना है।